अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, दिखा रहे हैं मूली के पराठे। और उसके लिए हमें चाहिए ये सब कुछ, मूलियाँ क्रश करके जिस तरह से। और अम्मी इसमें क्या है? मेथी, मेथी, धनिया, और हरी मिर्च, हाँ जीरा, अच्छा फिर वो क्या नाम जीरा आ है, गया, वो नींबू, नींबू तो डालना नींबू, है, दूसरी अजवाइन, अजवाइन और बस। लाल मिर्च वगैरह कुछ हाँ नहीं। लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, सही, चलो हसबे जायका। हसबे जाएगा। और ये आ गया जी छोटी करके, अभी अब पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे बनते हैं मम्मास पराठे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मूली, मूली के पत्ते और धनिया, हरा धनिया जो होता है, हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक और मेथी के पत्ते, अजवाइन, सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और मूलियाँ क्रश करके पहले इसको ना, इसका पानी निकाल लिया जाता है ताकि वो रोटी को जो है ना वो ख़राब ना करे आटे को। तो ये हमने पहले इसको मूलियों को क्रश कर लिया, कद्दूकश जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद इसको निचोड़ा गया है, फिर उसमें ये सारे मसाले डाल के इसको मिक्स किया गया है। उस प्रोसेस के मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि प्लान नहीं था, लेकिन मैंने बना ली वीडियो। तो फुल गुड वाइब्स आ रही हैं, अभी पालो प्रॉब्लम होने लगा है। और मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं मदर्स पराठे। और ये आ गया जी आटे को जो है ना, वो नॉर्मल पेड़े से छोटा पेड़ा लेके पहले इस तरह से बेल के रख लेना है और अच्छी तरीके से। और फिर इसके ऊपर लगाना है जी घी इस तरह से। अब ये घी जो है ना वो भर भर के लगाना है क्योंकि ये अम्मा का प्यार है, तो इससे आप बीमार नहीं होंगे, ये प्यार है तो इसलिए। चिल अन्य पा दो प्रॉब्लम, खाना है भाई, आवाज़ उसके बाद भले ख़राब हो जाए लेकिन खाना है। तो आवाज़ के लिए जो है ना बड़ी माजरत, आवाज़ मेरी फोत हुई भी है थोड़ी है, जब से ये सर्दियों का सीज़न आया। और ये देखें जी अम्मी के हाथ के मज़े हैं, तो ये मज़े मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और ताकि आप लोगों को अपने घर में भी बना के एंजॉय कर सकें, खा सकें, देख सकें। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें, आलू के पराठे, मूली के पराठे, ये सब कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन ये पंजाबियों के घर में हो आप और सर्दी हो और ये ना हो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जी हमारा वेजी पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसको ऊपर लगा के इस तरह से हाथ से कर रहे हैं, बेल इसलिए नहीं रहे ताकि ख़राब ना हो जाए। ये जी हमारा तवे पे आ गया है पराठा, फर्स्ट पराठा है ये। और ये जी गैस ना होने की वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा, तो ये देख रहे हैं ये मतलब 5 मिनट बाद जाके इस तरह से कुछ हुआ है। चलें कुछ नहीं, सह लेंगे, सह ही रहे हैं हम, कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमने दूसरा पराठा प्रिपेयर करते हुए ये देखें इस तरह से घी अच्छे से, और ये आ गया मूली वाला मटेरियल जो भी बन रहा है, मिक्स वेजिस, ये जी उसको फुल फिल करते हुए दूसरी तरफ पराठे पे घी लगाते हुए। और ये तो मज़े है ना अम्मी के हाथ के। और ये जी फुल अनी पादो पॉपलम, इसको अच्छे से वो किया जा रहा था, दबाया जा रहा ताकि जो है ना वो पराठा जो है ना एक अच्छा से निकल के सामने आए। और ये देखिए जी माशाल्लाह लुक देखें आप, सब छोड़ें, सारे पैसे ऐसी गई हैं। और ये तो एक मास्टर शेफ जो हमारी अम्मियाँ होती हैं वही कर सकती हैं, हमसे नहीं आएगा भाई कभी भी। हम बनाएंगे चाइना जापान के नक्शे, ठीक है? ये हो गए माशाल्लाह, लुक चेक करें आप। ये हमारा पराठा हो गया तैयार, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और ये जी फुल स्वैग से पराठे खाते हुए, ये जी आप देखें कौन इस तरह से खाता है पराठे, पहले ऊपर वाली लेयर खाएगा फिर नीचे वाली, मैं इस तरह से खाती हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों मेरे अपनों का ख्याल रखें और
अपनों से प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।